रुपया में बांटूंगा राशन, आटा चावल दाल आलू और। अस्सलाम वालेकुम, मैं अब्दुल्ला पठान कस्बा गुंदर की जिला मुरादाबाद उत्तर प्रदेश। मेरे घर लोग अल्लाह का शुक्र है अपनी मदद के लिए आते हैं और गरीब लोग जिसके घर आने लगे समझ लो अल्लाह की रहमत उसके घर आ रही है, जो हर किसी के नहीं आते। मेरे घर का दरवाज़ा अगर गरीब लोग खटखटा रहे हैं तो मैं उनका साथ दूंगा अल्लाह के करम से, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया अगर तुम सब माल भी दे दोगे तब भी तुम्हारा माल कम नहीं होगा और वो वादा झूठा नहीं हो सकता इंशाल्लाह कभी नहीं बेशक। तो मैं इंशाल्लाह ऐसे ही करता रहूँगा, जैसे कि मैं गरीब लोगों के घर घर जाकर मदद कर रहा हूँ। तो मरीजों से जब भी मैं मिलने आता हूँ मैं ज़्यादातर जो लोगों की गरीब लोगों की मदद कर रहा हूँ ढूंढ ढूंढ के, जो घर से अपने नहीं आते हैं उठकर, वो जो है शर्म वाले बंदे हैं वो नहीं आएंगे, तो उन लोगों की मदद ज़रूर करो घर घर जाकर। तो मास्क ला के जाओ, मरीजों के पास जाता हूँ तो मास्क ला के और ये ला कर जाते आप भी। वालेकुम, मैं अब्दुल्ला पठान कस्बा कुंदर की जिला मुरादाबाद। आज इधर के एरिए में एक जानकारी मिली है, एक दो पीड़ित हैं, मतलब कोरोना पीड़ित नहीं है अल्लाह का शुक्र है, वैसे ही परेशान है और वो मतलब बीमार है, तो उनको मैं मदद करने जा रहा हूँ। और मैं एक ऐलान और करता हूँ आज कि मैं दोपहर का खाना अपने एरिए में अपने घर कुंदर की में एक जगह बना दूंगा, यहाँ पर वो हमेशा खाना मिलेगा लोगों को गरीबों को, एक टाइम का खाना मैं रोज़ बनवाया करूँगा ता जिंदगी। मैं मर जाऊँगा मेरे बच्चे आ जाएंगे फिर उनके बच्चे आ जाएंगे, इंशाल्लाह वो सिलसिला रुकेगा नहीं, क्योंकि मैं जो ठानता हूँ वो अल्लाह पूरा करता है। मैं जो भी जिम्मेदारी गारंटी जो भी लेता हूँ अल्लाह के ऊपर लेता हूँ, तो इंशाल्लाह वो काम रुकेगा नहीं, वो जल्दी ही शुरू करा दूँगा मैं इंशाल्लाह अल्लाह की रहमत से। और आप भी लोगों की मदद करो, जब आपको अल्लाह ने दिया है तो आप दो लोगों को ये। मैं अब्दुल्ला पठान कस्बा गुंदर की जिला मुरादाबाद, ये मेरे पिताजी हैं। तो सबसे ज़्यादा खतरा कोरोना से बुजुर्ग लोगों को है, जैसे आपके माता पिता आपके दादी दादा, उन लोगों की इम्यूनिटी बहुत कम होती है, तो इसलिए इन लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए इनको सिट्रस फल खिलाएं और मौसम के फल खिलाएं ताकि इम्यूनिटी मजबूत हो जाए, और इन लोगों से बाहर के लोगों को दूर रखें, इनके बिस्तर अलग होने चाहिए, वहाँ तक बच्चे नहीं पहुँचें, क्योंकि बच्चे बाहर जाते हैं बच्चों को कुछ नहीं होगा, क्योंकि उनके रबड़ की तरह होते हैं उनके फेफड़े, उनको नहीं होगा, लेकिन वो ट्रांसफ़र कर देंगे बाहर से, कोरोना लाएंगे और ट्रांसफ़र कराएंगे, बुजुर्गों तक पहुंचते हैं बच्चे, उन लोगों को बच्चों को दूर रखें या उनके साबुन से हाथ धोते रहें बार बार, या उनको बाहर नहीं जाने दें, ऐसे कोरोना से हम जीत सकते हैं। और मास्क का प्रयोग हमेशा करें, हाथ बार बार धोएँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरे पिताजी, तो मैं आप सबसे यही बताना चाहता हूँ कि लोगों की मदद करो जैसे कि मैं कर रहा हूँ, मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया है, और मैं इंशाल्लाह जल्दी एक काम शुरू करने वाला हूँ, यहाँ पर दोपहर का खाना मैं अपने यहाँ पर बनवाऊँगा सभी के लिए ता जिंदगी इंशाल्लाह, और अल्लाह इस जिद को मेरी पूरी कराएगा और हमेशा के लिए होगा वो, मैं मर जाऊँगा मेरे बच्चे आ जाएंगे वो भी चले जाएंगे इस दुनिया से, लेकिन वो सिलसिला कभी बंद नहीं होगा इंशाल्लाह, जल्दी ही करवाने वाला हूँ मैं। और मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया कि लोगों की मदद करो, कोई भी भाई हम रिश्वत नहीं लेता है हराम नहीं खाता, तो बस उसकी वजह मेरे पिताजी हैं, क्योंकि उन्होंने हमें बहुत सिखाया है बहुत बताया है ये चीज़ें, अच्छे अच्छे काम करो, लोगों की घर घर जाकर मैं मदद कर रहा हूँ, मरीजों के लिए भी बहुत पैसे भी ये भी सब चीज़, देखो राशन की ज़रूरत नहीं है, कैश भी बहुत ज़रूरी है आज की डेट में, तो काम बंद है और लोग बहुत परेशान हैं, कुछ लोग कमाने वाले थे। बहुत बढ़िया, दूसरा कौन आ रहा है, एक हाथ तोड़ रहा हूँ, अरे इधर उठाओ, अरे बुलाओ सबको, सबको ले लो, सबको ले लो।
बस बस इधर ऐसे ना वैसे बस ना एक संग वो रिटर्न एक संग दोनों को हां तो इतने कह रहा दोनों ने हेलो गाइस अब वो गांव खाली रहोगे मैंने अभी हली चलाई है जो ईक बोने वाली है चौड़ी वाली इतनी लंबी हां और उसके बाद इधर उठाया इन इधर दबाऊं हां दबा दियो हां मेरी वीडियो को लाइक करो और फॉलो करो मेरे को ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के VMAT, VMAT.